Good morning, dear students. Once again, welcome in the physics lecture. Till now, we have discussed about Newton's law of gravitation, force, its magnitude, direction, then capital G, small g. Small g मतलब gravitational acceleration, acceleration due to gravity. उसका variation कैसे आता है, pole पे कितना आता है, equator पे कितना आता है, latitude से कैसे बदलता है, altitude से कैसे बदलता है, depth से कैसे बदलता है, ये सब चीज़ हमने कंप्लीट कर लिया. और कल हमारा डिस्कशन था वो था वर्क डन. तो इसमें अभी अपन को तीन केस करना है. तो आज से वो पूरा उसका अब विल ट्राई टू गेट द आइडिया, होल आइडिया अबाउट दैट. तो पहले तो अपन डिस्कशन चालू करते हैं फील्ड. तो आपको मालूम है कितने टाइप के फील्ड हम स्टडी करते हैं बेटा. तो फिजिक्स में अभी अपने 11th 12th के लिए हम तीन फील्ड स्टडी करेंगे. पहला है ग्रेविटेशन, बाद में इलेक्ट्रिक, बाद में मैग्नेटिक. ये आपको क्यों बताते जा रहा हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिलेवेंस हैं. दे आर वेरी रिलेवेंट टू ईच. तो ये टेबल अब आपके पास बना के रखो, इसका आपको फायदा होगा. दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू. तो पहला ग्रेविटेशनल फील्ड चेक. ग्रेविटेशनल फील्ड ई जी बोलो उसको, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, तो उसका मैग्नीट्यूड जो आता है ई जी का, वो आता है फोर्स पर यूनिट मास. मतलब एक छोटा सा डेफिनेशन आप अगर आपको करना है तो ऐसे कर सकते हैं, फोर्स पर यूनिट मास. अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया ई, तो ये आता है फोर्स पर यूनिट चार्ज. इसको क्या बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज. और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड भी देखते हैं तो ई मैग्नेटिक विल बी फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ. ये मास है, ये पोल स्ट्रेंथ है. फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ. तो आप पूछोगे पोल स्ट्रेंथ क्या है, तो मैग्नेट को नॉर्थ और साउथ पोल दोनों भी होते हैं, तो उनका पोल स्ट्रेंथ आता है प्लस एम नॉर्थ पोल का, साउथ पोल का माइनस है. तो यहां पे हियर वी विल गो फॉर डिस्कसिंग मोर अबाउट ग्रेविटी, ऑफकोर्स ग्रेविटेशनल फील्ड एंड लेस अबाउट दिस. लेकिन आपको यह पता होना चाहिए क्या है, तो वो कैसे आता है ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए हम यूज करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो हमने ऑलरेडी पता किया. ये ग्रेविटेशन इलेक्ट्रिक के लिए है तो हम यूज करते हैं कूलम्स लॉ. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है तो हम कूलम्स लॉ करते हैं, और अगर मैग्नेटिक फील्ड के लिए है तो हम लिखते हैं बायॉट सेवर्ट लॉ. तो अगर ग्रेविटेशन के लिए हम कर रहे हैं तो ग्रेविटेशन के लिए हम जाएंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. आपको मालूम है इसमें से हम फोर्स निकालेंगे, तो यहां से हम निकालेंगे फोर्स ग्रेविटेशन, यहां से निकालेंगे फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक, और यहां से निकालेंगे फोर्स मैग्नेटिक. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या देता है आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स. कूलम्स लॉ क्या देता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स. एंड बायॉट सेवर्ट लॉ क्या करता है, आपको मैग्नेटिक फोर्स देता है. अभी ये तीन फोर्स क्या डिफरेंस है उसमें, पहला ये जो है आपको मालूम है यहाँ पे बॉडी M1 है, यहाँ पे M2 है, इसके बीच में ये जो फोर्स है ये बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. ये क्यों मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टेट में भी आपको वो पढ़ना है. तो आज हम अपना टाइम ज़ाया करेंगे, देन दैट विल बी यूजफुल व्हेन आई विल स्टार्ट विद योर इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऑल्सो ऑफकोर्स व्हेन आई विल स्टार्ट फॉर योर मैग्नेटिक फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एट दैट डे.
So attractive only. तो अपना जो ग्रेविटेशनल फील्ड अपन को पढ़ना है यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए क्या है. सपोज यहाँ पे चार्ज Q1, यहाँ पे चार्ज Q2. अभी यहाँ पे होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, ऐसा बोलते हैं उसको, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. यह अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है. क्यों? यहां पे आपको अगर प्लस प्लस है तो लाइक चार्जेस कितने नीचे तक, प्लस माइनस है तो अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर, बराबर है ना. माइनस प्लस है तो भी अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर, माइनस माइनस है लाइक चार्जेस दे विल रिपेल ईच अदर. ये फंडा चलता है कूलम्स का. तो यहां पे द फोर्स विल बी मे बी अट्रैक्टिव मे बी रिपल्सिव. अट्रैक्टिव भी हो सकता है और आपका फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है. वैसे ही फोर्स पर यूनिट लेंथ फोर्स स्ट्रेंथ. तो यहां पे अगर आपने देखा तो यहां पे सपोज मैंने ऐसा मैग्नेट रखा है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना. तो नॉर्थ पोल के लिए फोर्स स्ट्रेंथ हम लिख लेते प्लस है और साउथ के लिए लिख लेते माइनस है. तो यहां पर भी लिख सकते हैं नॉर्थ नॉर्थ रिपेल, बराबर नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ. अगर ये है तो ये अट्रैक्ट करेंगे और साउथ साउथ फिर से दूसरे को रिपेल करेंगे. ये आपको जाना. तो कॉमन थिंग ये है कि फील्ड मतलब फोर्स पर यूनिट. ग्रेविटेशनल है तो उसमें मास डालो तो ग्रेविटेशनल फील्ड ईजी, फोर्स पर यूनिट मास. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ईई, फोर्स पर यूनिट चार्ज. मैग्नेटिक फोर्स है फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ. ये बात आपको ध्यान में रखनी है. दिस इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट थिंग. मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ाया आपको फील्ड का, क्योंकि आपको एक्चुअली ये चक्कर क्या है, एक्चुअली ये अट्रैक्ट कैसे करते हैं, क्या होता है, वो सिखाना पड़ता है. इसलिए मैंने वो पहले न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स वगैरह सब सीखा के बाद में अभी इन चीजों पर मैं आ रहा हूँ. This is the thing, so that you will be able to understand something about that. Okay, तो मैं काम करता हूँ, इसको आप note down करके लीजिए. इसके बाद में हम जाएंगे gravitational field के लिए. Same है सब, क्योंकि हमने gravitational field already हमने सब discuss किया है. G का value डाला है, निकाला है, बराबर ना. G का value निकाला है, capital G निकाला है, ये सब चीज़ निकाला है. तो वो हम करेंगे और आपके मॉड्यूल में भी वो उसको दिया है. ओके, सो आई विल सजेस्ट यू टू नोट डाउन दिस, देन वंस अगेन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट. हो गया बच्चों, अभी हम जाते हैं आगे. तो हम अभी ग्रेविटेशनल फील्ड का स्टडी करेंगे. तो आई विल सजेस्ट यू टू रेफर मॉड्यूल, सजेस्ट यू टू रेफर मॉड्यूल पहला और पीडीएफ. दो बाकी के दो पीडीएफ में उसमें आपको खाली डायरेक्टली उसका ये करना है, क्या करना है, प्रैक्टिस करना है. तो आप क्या करो, आपका जो मॉड्यूल है उसमें पेज नंबर 11 10 से आगे देखना चालू करो, 10 से आगे देखना चालू करो और पेज नंबर 11 पे ग्रेविटेशनल फील्ड आपको दिखा है. ओके ओके, और उसमें ही है आपका इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. ओके, तो हम क्या सीखेंगे, पीडीएफ वन पेज नंबर 11 ऑनवर्ड्स. मतलब इसको आपको हेल्प, आपको अगर कुछ दिक्कत है तो उधर आप रीड कर सकते हो. उसके लिए एक छोटी छोटी चीज के लिए मेरे को आपको कॉल करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप देख सकते हो. ये जब जो सब हम सिखा रहे हैं वो एज पर योर मॉड्यूल चल, सो देर इज नो प्रॉब्लम. ओके, तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड. तो ग्रेविटेशनल फील्ड इसका मतलब क्या है वो समझ के,
तो पहले तो ऐसा डेफिनेशन ग्रेविटेशनल फील्ड या क्या ग्रेविटेशनल फोर्स फोर्स पर यूनिट मास फोर्स पर यूनिट मास ओके तो इसको ही बोल सकते आप ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास तो यहां पे आपको दो मास लेना पड़ेगा एक मास जो ये फोर्स दे रहा है अभी हम दोनों फोर्स का स्टडी नहीं करेंगे दो फोर्स का स्टडी नहीं करेंगे यहां पे दो मास है तो एक बनेगा जो फोर्स देगा और दूसरा बनेगा जो जिसके ऊपर फोर्स लगेगा आई नो दैट इसके ऊपर भी ये भी इसको फोर्स देगा लेकिन अभी इसका स्टडी करने के लिए एक को हम लेते हैं उसको बोलेंगे सोर्स मास ये मेरा कंसेप्ट है मतलब सोर्स चार्ज वगैरह इलेक्ट्रिसिटी में करते वैसे ही इसको कंसेप्ट और एट ए डिस्टेंस आर सपोज देयर इज अ यूनिट मास आपको कंसीडर करना है एक यूनिट मास यूनिट मास मतलब क्या के सिंगल उसका वैल्यू सिंगल यूनिटी है तो कैलकुलेशन करने के लिए भी दिक्कत नहीं रहता है कैलकुलेशन करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अगर एक ऐसा एक यूनिट मास जो यहाँ पे है अगर मेरे को निकालना है एक आर डिस्टेंस का अगर यूनिट मास है तो ये फोर्स कितना लगेगा ये फोर्स कितना लगेगा इस यूनिट मास के लिए उसका जो कैलकुलेशन है और उसका जो वैल्यू है वो दे देगा आपको ग्रेविटेशनल फील्ड वो क्या देगा आपको ग्रेविटेशनल फील्ड तो अभी अगर आपने लिया आपने अपने मॉड्यूल में भी चेक करो उसमें है उसमें जो दिया है ओके वो जो दिया है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ करके दिया है तो ये वो जो दिया है आपको तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ओके इंटेंसिटी जो दिया है ओके इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड उसका वैल्यू आएगा एक बेटा इसको मैं पूरा करके दिखाता हूँ आपको वहां आपको भी प्रॉब्लम नहीं आएगा ये पहला वेक्टर क्वांटिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है अभी आपको मालूम है ये इसको क्या करेगा बेटा आराम से देखो एकदम आराम से पढ़ेगा मतलब देयर इज नो प्रॉब्लम ओके डोंट मेक ट्रबल ये बॉडी इसको अट्रैक्ट करेगा ये अट्रैक्टिव फोर्स मतलब इसमें डिरेक्शन का सेंस है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा एक अगर कौन सा भी मैंने सोर्स मास लिया तो किसी आर डिस्टेंस पे ऐसे मैंने लोकस निकाला तो सब जगह से फील्ड लाइन बोल सकते हो ना मतलब उसको फील्ड लाइन ये कंसेप्ट अभी नहीं है आपको इलेक्ट्रोस्टेट में ज्यादा है तो सब बातों से इधर मैंने यूनिट मास रखा तो इसको इधर अटैक करेगा इधर मैंने यूनिट मास रखा तो इसको यहाँ पे अटैक करेगा इधर मैंने रखा तो यहाँ पे अटैक करेगा इधर रखा तो यहाँ पे करेगा सेम ये सेम सो दिस इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ओके ओके सो इसको स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं मतलब आपको लिखने के लिए एज पर द मॉडल आपको अगर जाना है तो पूरा मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड बोलो तो सब समझते हैं उसको फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ मतलब क्या सॉरी फील्ड स्ट्रांग है वेदर द फील्ड इज स्ट्रांग और द फील्ड इज वीक वेदर द फील्ड इज स्ट्रांग और वीक ये बताता है आपका स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ विल गिव यू द आइडिया अबाउट वेदर द गिवन फील्ड इज स्ट्रांग और वीक स्ट्रांग कब बोलेंगे जब वो ज्यादा फोर्स देगा जब वो ज्यादा फोर्स देगा अट्रैक्शन का तो वो फील्ड बनेगा स्ट्रांग और अगर वो कम फोर्स देता है तो फील्ड बनेगा वीक ओके अभी इसके ऊपर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ये कंसेप्ट आता है ये वेरी इंपॉर्टेंट आता है एकदम सिंपल है ये फोर्स आपने निकाला है ऑलरेडी इसलिए मैंने वो सब आपको सिखा के रखा है तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड आराम से इसको देखो आपको सब समझ में आएगा
नो नीड टू बी वरीड अबाउट एनीथिंग, मैं यहाँ पे हूँ तो आपको दिक्कत करने का जरूरत नहीं है, जो जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो अभी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड अगर आपको पढ़ना है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड अगर आपको पढ़ना है तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा ये क्या है, यही है, इसका ही फॉर्मूला बनाना है। हाँ, ये पहले है वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी नंबर एक, ये है वेक्टर क्वांटिटी। नंबर टू, इसका ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट है न्यूटन पर केजी, इंपॉर्टेंट है, ये दो तीन चीजें हैं इसका उठाया। इसका डायमेंशन आप निकालो, डायमेंशन आपको होमवर्क के लिए देता हूं। डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, तो m1 l1 t-2 बराबर। उसके बाद में मास का डायमेंशन किलोग्राम, मतलब m1 आएगा, तो आप उसको निकाल सकते हैं। तो यह आप निकाल सकते हैं न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर किलोग्राम, ये ऐसा यूनिट है, डायमेंशन मैंने आपको निकालने के लिए रखा है। तो बेटा अभी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड कैसे निकालेंगे? ओके, तो उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। पहले ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आता है जी, इसको लिखा मैंने कैपिटल एम और इसको लिखा मैंने स्मॉल एम। तो ये ध्यान से देखो इसको, दो दो तीन तीन बार बताऊंगा लेकिन ठीक से देखो इसको, ठीक से पता करो इसको क्या है। जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर या फोर्स डिवाइडेड बाय ये मास, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय मास करता हूं तो अपन को क्या मिल गया बेटा, उसको डिवाइड किया अगर मास से तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। ओके, तो इसको ऐसा ऐसा हो जाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एम ने एम को काटा तो मेरा ई जी कैसे बनेगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड। सो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, और इसका डिरेक्शन आएगा, डिरेक्शन इज सेम एज ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड आएगा और उसका डिरेक्शन क्या आएगा, सेम एज ग्रेविटेशनल फोर्स, जिस डिरेक्शन में अपना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, काम करता है, उसी डिरेक्शन में उसका रिएक्शन रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, इसको नोट डाउन करो, फिर से आगे। सो इन दिस वे बेटा वी हैव सीन अबाउट द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं, और इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। सो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेटेड एज दिस, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। सो यू विल आस्क मी सर, आप बोलोगे सर ये तो जी का ही फॉर्मूला है, तो असल में आप अगर यहां पर देखोगे न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी बराबर, तो न्यूटन, न्यूटन मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी, इफ यू विल डू दैट देन अगेन यू विल गेट यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ओनली, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो हम स्मॉल जी यूज करते हैं, ये जो आपका है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, वो भी वैसे ही उसका यूनिट आएगा। अभी हाँ, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का और इंटेंसिटी का क्या आएगा, अभी इंटेंसिटी का कोई आने वाला यूनिट, जी का डालो, एम का डालो, आर स्क्वायर का डालो, देन अगेन यू विल गेट द यूनिट। इसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं, इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा, ऐसा यूनिट न्यूटन, सॉरी जी का है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस पर के जी स्क्वायर। ओके, तो ये देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एम मतलब के जी अपॉन मीटर स्क्वायर, बराबर।
यहाँ पे केजी स्क्वायर केजी, तो एक केजी बच गया, मीटर स्क्वायर कट गया, तो ये फिर से क्या बन जाएगा, न्यूटन पर केजी, जो यहाँ पे हमने लिखा है न्यूटन पर केजी। सो दिस इज द वे इन विच वी कैन स्टडी द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एंड फील्ड इंटेंसिटी। तो ये हो गया आपका मॉड्यूल वन, मॉड्यूल में पीडीएफ वन का आपका। तो अभी इसमें क्या करना है आपको बताता हूँ, तो एक मिनट दीजिए मेरे को। तो आपने जो लिखा है यहाँ पे ये फील्ड स्ट्रेंथ वगैरह सब, इसमें आपको मॉड्यूल में जो दिया है उसमें से नोट डाउन करना है आपको। आई विल टेल यू वन वन मिनट, मेरा मोबाइल बंद हो गया इसलिए एक मिनट। इसको लिखो अभी क्या क्या करना है आपको। तो अभी आप अपन को मैंने बोला था पेज नंबर 11, हाँ, तो पेज नंबर 11 में ये जो सब मैंने सीखा है वो है, आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अभी पेज नंबर 11 पे ये सब दिया है, तो वहाँ पे एक आपको ग्राफ दिया है ई वर्सेस आर, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब है वो, लेट मी रिपीट इट अगेन। ये जो सब आपने लिख दिया है इसका एक ग्राफ दिया है। तो आपने क्या क्या सीख लिया, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और ग्रेविटेशनल फील्ड, दूसरा आपने सीखा है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड और उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो अभी सेकंड इंपॉर्टेंट अगर आपने ग्राफ देखा, ग्राफ ऑफ ई वर्सेस आर, ई मतलब आपका इंटेंसिटी, ई तो ई जी का वैल्यू कितना है, ई वर्सेस आर, ई जी का वैल्यू है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, द मीनिंग ऑफ दिस इज ई जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ई जी ये क्या है, अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है तो अपन का ग्राफ कैसे बनेगा बेटा। तो ग्राफ बनेगा, अगर मैंने ग्राफ लिखा था ई जी और ई वर्सेस आर, तो ग्राफ आ गया इनवर्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आपको ग्राफ लिखना है, ये वी वी आर एक भी ग्राफ है, तो ये वी कभी कभी आता है, अगर दो बॉडी है उसमें से एक को हमने सोर्स मान लिया, दूसरे को टेस्ट मान लिया, अभी आपको दिखाया था सोर्स मास और टेस्ट मास। तो उस मास सोर्स मास के लिए ये जो डिस्टेंस है, इफ आई विल गो ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस, सो ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस intensity of gravitational field on increasing the distance, intensity of gravitational field goes on decreasing, iska ye kya hai, E is inversely proportional to तो अभी तक हमने जो सीखा है इसमें ये इंपॉर्टेंट, ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड गोज ऑन डिक्रीजिंग। अगर आपने डिस्टेंस इंक्रीज किया तो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, ये आपको इसमें दिया है आपके मॉड्यूल में, और आपके मॉड्यूल में आपको क्या क्या पढ़ना है उसको वो भी देखो, वो मॉड्यूल नंबर मॉड्यूल में पीडीएफ वन में अभी पेज नंबर 11 में आपको बताया, उसमें आप उसको स्टडी करो। और भी एक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ऐसा यूनिट हमने लिखा है, ऐसा यूनिट कितना आएगा, ऐसा यूनिट आपका आएगा न्यूटन पर केजी। ये तीन चीज आपको ध्यान में रखनी है, अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका भी एडिशन सब्ट्रैक्शन जो कुछ होगा वो वेक्टर के हिसाब से होगा,
तो बच्चों आपको उसके लिए आपको 11th में हमने जो स्केलर एंड वेक्टर लिखा था, सो आज के लिए आपको ये भी है रिवाइज स्केलर्स एंड वेक्टर्स, उसमें भी वेक्टर एडिशन को आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोल दिया कि सर हमें वेक्टर एडिशन में प्रॉब्लम है। तो ऑफ कोर्स जब पहला लॉकडाउन था कोरोना के टाइम पे, उस टाइम पे हमने वो आपको ऑनलाइन पढ़ाया था, तो और उसके बाद उसका रिवीजन भी क्लास में आई थिंक मैंने ही तीन से चार बार उसका क्लास में रिवीजन किया है। तो जिन बच्चों को वेक्टर एडिशन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन्होंने मैंने जो रिवाइज किया है उसमें स्केलर्स वेक्टर का जो रिवीजन लिया, दो दिन दिया था मैंने स्केलर वेक्टर का रिवीजन, उसमें जो वेक्टर एडिशन है, जैसे हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट से F1 square प्लस F2 square प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ये जो फॉर्मूला है उतना तो याद आपको रहना चाहिए। ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग। तो यस्टरडे भी आपने ग्राफ सीखा, वेल जी वर्सेस आर, स्मॉल जी वर्सेस आर, वो भी ग्राफ आपको ठीक से ध्यान में रखना है। ये दूसरा वाला, अगर मैंने फोर्स का ग्राफ निकाला, फोर्स वर्सेस आर, एफ वर्सेस आर, तो सेम आएगा, वो भी आपके पास आप नोट डाउन करके रखिए कि अगर हमने फोर्स वर्सेस डिस्टेंस उसका ग्राफ निकाला तो वो भी वैसे आएगा, क्योंकि इसमें भी हम फोर्स ही लेते हैं, एफ अपॉन एम लेते हैं, सो इट इज़ अ फोर्स पर यूनिट मास, तो उसमें आपको कुछ दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो फोर्स वर्सेस आर, वो भी इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शनलिटी, इंटेंसिटी वर्सेस आर अगर निकला वो भी इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शनलिटी ही है, तो आपका उसका आंसर भी सेम आने वाला है। सो दिस इज द थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी स्टडीड। अभी आप मॉड्यूल में और भी एक है, उसको बोलते हैं नल पॉइंट। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ नल पॉइंट का ये नहीं करने वाला, जिक्र नहीं करने वाला, जस्ट आपको बता देता हूँ नल पॉइंट। नल का मतलब क्या है? नल, NULL, नल जी। तो ऐसा एक पॉइंट किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में रह सकता है, एट विच द इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी जीरो। यहाँ पे उन्होंने दिया है आपको मॉड्यूल में, तो आप मॉड्यूल में देख सकते हैं, इट इज अ पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड एट विच रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। ये आपको इंपॉर्टेंट याद में रखना है। ओके, तो उसको नल पॉइंट बोलते हैं। तो उसका ज्यादा कुछ ये नहीं है, यहाँ पे मैंने एक मास रखा है, एक दूसरा मास यहाँ पे रखा है, ये M1 बोला, ये M2 बोला, तो ये टोटल हो गया बेटा ये R, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो एक पॉइंट ऐसा, सपोज इसको मैंने नल पॉइंट पकड़ा, तो क्या हो जाएगा? सपोज इस पॉइंट के ऊपर दो फोर्स लगने वाले हैं, इस पॉइंट के ऊपर अगर मैंने इसको यूनिट मास समझा, इसको यूनिट मास मतलब देखो अभी ये अपन को वो हमने देखा है क्या सोर्स मास है न्यूट्रॉन, तो एक यहाँ पे अगर मैंने छोटा मास रख दिया, ओके यहाँ पे अगर मैंने एक छोटा मास रख दिया, कितना यूनिट, जिसका वैल्यू यूनिट, तो ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा बराबर, और ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा बराबर। कभी अगर यहाँ पे दो मास है, यहाँ पे दो मास है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दो मास के बीच में ऐसा एक पॉइंट पकड़ा जहां पे अगर मैंने मास रखा, तो दोनों भी उसको अट्रैक्ट करेंगे, कहीं पे भी करेंगे। तो नल पॉइंट का मतलब क्या है? नल पॉइंट इट इज द पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी विल बी जीरो। मतलब यहाँ पे मैंने ऐसा मास रखा जो यूनिट मास है, तो ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी करेगा। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सपोज F1, इसका F2, तो इसका इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी E net विल बी E1, और ये
एक अगर इस डायरेक्शन में तो दूसरा माइनस ई टू और नल पॉइंट को क्या आएगा ई नेट बन जाएगा मेरा जीरो. इट व्हाट इट मींस, इट मींस दैट ई वन माइनस ई टू विल बी इक्वल टू जीरो. गेटिंग द पॉइंट. तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, इसको x पकड़ते हैं तो ये बन जाएगा r माइनस x. तो यहां पे अगर ये से ये इज इवन माइनस इक्वल जीरो है तो क्या लिख सकते हैं, e1 इज इक्वल टू e2, मैग्नीट्यूड ऑफ e1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ e2. तो e1 कैसे आएगा, तो g m1 अपॉन से r स्क्वायर मतलब x स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू g m2 अपॉन r माइनस x ब्रैकेट्स. ओके, जी ने जी को काटा तो अभी अगर आपने x नहीं तो r का वैल्यू अगर आपको चाहिए तो इससे आप कर सकते हो. तो नल पॉइंट, नल पॉइंट का ये क्या आएगा, नल पॉइंट इट इज अ पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी विल बी zero, that will be called as a null point. Okay, I will suggest you to note down this and then we will go for next. So dear friends, till now we have studied about the gravitational field and gravitational field intensity or intensity of gravitational field. Now we will go for gravitational potential. Now we will go for gravitational potential. Meaning of potential that we will study. So potential, the basic definition of potential aapko dhyan mein rakhni hai, very important. We are isme bhi teen aate hain jaise maine aapko field ke liye bataya tha waise hi ye aayega gravitational. इधर आएगा आपका इलेक्ट्रिक, और यहां पर आएगा आपका मैग्नेटिक. तो जिन जिन टाइप के फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोल सकते हैं उसको, और मैग्नेटिक फोर्स, तो सब फोर्स के लिए उनका फील्ड है जैसा हमने पहले आपको बताया था, फील्ड है और फील्ड के बाद में उसको पोटेंशियल भी. तो पोटेंशियल का जनरल अगर डेफिनेशन अगर आपने देखा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए लिखते हैं वर्क डन पर यूनिट मास. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर आप लिखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू राइट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो बेटा इट इज वर्क डन पर यूनिट. अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना चाहें तो इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो आपको ये ध्यान में रखना है, अगर आपका ग्रेविटेशन है, या ध्यान में रखो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपका ग्रेविटेशन है तो वहां पे लिखने का मास. इलेक्ट्रिक है वहां पे लिखने का चार्ज, और अगर मैग्नेटिक है तो वहां पे लिखने का पोल स्ट्रेंथ. तो ये आपको ध्यान में रखना है, बाकी डेफिनेशन तो सेम है और बाकी सब सिनेरियो सेम है, खाली ये डेफिनेशन में अगर ग्रेविटेशन है तो मास लिखने का मतलब फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड द फोर्स पर यूनिट मास. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट मास. इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट
चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फोर्स वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वैसे ही अभी मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखेंगे, फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। तो यहां पे भी ये क्या आएगा, वर्क डन पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। तो ये दो चीज का आपने को अभी स्टडी नहीं है, वो जो जब टॉपिक आएगा उस टाइम हम इन दोनों का भी स्टडी करेंगे। सो दैट इज नॉट अ बिग टास्क, ओनली द नाउ द बिग टास्क इज टू फाइंड आउट दिस। तो अभी इससे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, बाद में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये दो चीज आपको स्टडी करना है, वो फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो फॉर फाइंडिंग आउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। व्हाट इज दैट, V, उसको क्या लिखते हैं, V is W upon m। तो इसका यूनिट कितना आएगा, जूल पर केजी, और जूल मतलब न्यूटन मीटर, उसको ही बोल सकते हैं न्यूटन मीटर पर केजी। इसका डायरेक्शन आप पता कर सकते हो। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे आएगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसका ऐसे लिखा आएगा, इसका ऐसे लिखा आएगा वर्क डन जूल पर कूलम, और वर्क डन मतलब आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वो न्यूटन मीटर पर कूलम ये भी आ सकता है, और न्यूटन मीटर पर कूलम। ये चीजें हैं आपको बाद में इसके ऊपर ज्यादा एक्सरसाइज करना, अभी ग्रेविटेशन के लिए इस चीज के ऊपर एक्सरसाइज आपको ज्यादा करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये तो आपको मालूमात होने के लिए मैंने लिख दिया। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम। तो यहां पे एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ, बराबर। सो दिस इज द वे इन विच इट हैज टू बी लर्न। ओके, तो पहले सीख लेते हैं अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू नोट डाउन दिस, दिस इज द बेसिक वन फॉर योर नेक्स्ट टॉपिक, एंड दिस इज द वन विच यू विल यूज राइट नाउ। सो आई सजेस्ट यू टू नोट दिस टू, थोड़ा नोट डाउन कर दी। और ये भी आपको सिर्फ ध्यान रखना, ग्रेविटेशन है तो मास, इलेक्ट्रिक है तो चार्ज, और मैग्नेटिक है तो पोल स्ट्रेंथ। अभी आपको देखना है, वी हैव टू सी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, सो इट इज वर्क डन टू मूव अ यूनिट मास फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट in given gravitational field। आराम से लिख लेते हैं, जल्दबाजी करने का जरूरत नहीं है। और ये सब आपको आपके मॉड्यूल में दिया है, तो अगर आपने मॉड्यूल का पेज नंबर फील्ड इंटेंसिटी के बाद में फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट, एक मिनट आपको मैं बता देता हूँ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको पेज नंबर 14 में मिलेगा, तो पीडीएफ पेज नंबर 14 में इधर भी लिख देता हूँ, पीडीएफ वन पेज 14 यहाँ पे आपको मिलेगा। खाली वहाँ पे क्या दिया है, थोड़ा सा शॉर्ट में आपको उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, और ये जो बड़ा वाला परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है जो मैंने यहाँ पे आपको कर दिया है, तो उसका ज़्यादा आपको इम्पैक्ट नहीं आएगा। एक मिनट मैं आपको सब चीज़ें बता देता हूँ। 14 नंबर पे पहला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और बाद में छोटे छोटे उसके आपको ये दिए हैं
और बाद में आपको देखना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 16 पेज नंबर, सो 14 एंड यहाँ पे आपको 16 भी देखना पड़ेगा। तो बाद में इसके बाद में मैं जो सिखाने वाला हूँ जो पोटेंशियल एनर्जी वो आपको 16 में मिलेगा। ओके समझ गए, अभी हम चालू करते हैं। तो पेज नंबर 14 एंड पेज नंबर 16। ओके ये जो आपको PDF भेजा है उसमें आपको देखने का है, वो आपको समझ में आएगा। ये थोड़ा कंसेप्चुअल है तो आराम से हम जाएंगे, विल नॉट वरी मच मोर अबाउट द टाइम, इट विल बी डन, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा लेक्चर का थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ा के उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं, देयर इज़ नो बिग प्रॉब्लम। ओके तो अभी हम क्या करते हैं, एक मास लेते हैं, ये है आपका M1 और ये इसको लिखते हैं M2। तो M1 M2 के बीच में डिस्टेंस कितना है, R है। तो अगर M2 मास को मेरे को मूव करना है आइदर यहां पे नहीं तो यहां पे, तो कितना वर्क डन करना है, तो पहले फोर्स बिटवीन देम कितना आएगा, M1 M2 upon R से मैग्नीट्यूड अट्रैक्टिव, इसलिए उसको नेगेटिव साइन से लिख सकते हैं, एकदम आराम से इसको देखते हैं। तो सपोज M2 इज डिस्प्लेस्ड अ स्मॉल डिस्टेंस दिया, तो एक छोटे डिस्टेंस से यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ इसके इसको यहाँ पे डिस्प्लेस कर देता हूँ, इस डिस्टेंस को मैं बोलता हूँ dr। तो इस स्मॉल डिस्टेंस से उसको डिस्प्लेस कर, ओके देन उसके ऊपर ऑलरेडी कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू M1, सो ऑलरेडी फोर्स एक्टेड ऑलरेडी ऑन दैट नॉट बाय मी बाय M1, सो देयर इज अ फोर्स बाय 1 ऑन 2, सो देयर इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बाय मास 1 ऑन मास 2, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। इतना फोर्स उसके ऊपर ऑलरेडी एक्ट, वो अट्रैक्टिव है मतलब वो उस डिरेक्शन में है, अभी इसको उसके अपोजिट डिरेक्शन में वो डिस्प्लेस करना है, देन आई हैव टू गिव इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इन ऑर्डर टू मेक इट इन दैट वे, तो बाद में मैं अपना फोर्स लगा सकता हूँ। तो उसके अपोजिट फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, इतना ही लगाना पड़ेगा। तो अगर इसको यहाँ से यहाँ खिसका दूँ मैं, तो आई हैव टू डू द वर्क, सी हाँ इसके ऊपर ऑलरेडी फोर्स अट्रैक्शन का फोर्स किसका है, इसका M1 ऑलरेडी देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय 1 on 2, स्टिल आई हैव टू डिस्प्लेस इट अगेंस्ट द फोर्स इस डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में भी गए तो भी मेरे को उस फोर्स को नलीफाई करके बाद में जाना पड़ेगा। तो वो केस नहीं लेते हैं, इधर का केस लेते हैं ताकि आप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो देयर इज ऑलरेडी वन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय 1 on 2, अगेंस्ट दैट आई हैव टू डिस्प्लेस M2 by small distance here, so I have to do the work, so small work dw should be done, correct? So usko discuss karne ke liye ab humko kya karna padega, we have to do a small work dw should be done, a small work dw should be done, so dw कैसे लिखेंगे हम, dw will be f.dr, ये बन गया दूसरा पॉइंट। इतना सब आपके लिए मॉडल में नहीं दिया है, पॉइंट वाइज दिया है उसमें, हाँ वर्क डन के लिए पूरा उसको किए। तो देयरफॉर अगर एक पूरा डिस्टेंस आर उसको समझो जाना है, पूरा एक डिस्टेंस आर जाना है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क डन यहां से कैसे मिलेगा, टोटल वर्क डन w
written as integration f dot dr. उसको लिमिट कैसे डालेंगे r1 to r2. टोटल वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन f डॉट जी आर. थोड़ा बड़ा दिख रहा हूँ आपको दिखने के लिए. फ्रॉम r1 to r2. सो टोटल वर्क डन w विल बी इंटीग्रेशन f डॉट डी आर. लिमिट कैसे आएगा r1 to r2. तो अभी कुछ नहीं है, अपन को सॉल्व करना है. वो बाद में वर्क डन का वैल्यू मिलेगा. तो वर्क डन का वैल्यू कहाँ पे डालना है अपन को? अपन को हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा है. पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने लिखा है तो मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ. V इज इक्वल टू W अपॉन M. तो अपने लिए M कौन सा है? M2 है. तो अपॉन M2 करना पड़ेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके. नहीं तो इसको क्या करते हैं, इसको बोलते हैं सोर्स मास, इसको बोलते हैं टेस्ट मास. तो ये हो जाएगा जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर. समझ में आया? एकदम आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना. सो दैट इज द थिंग. तो अभी क्या करेंगे बेटा? तो अभी करेंगे देयरफॉर डब्ल्यू विल बी इक्वल टू. तो अभी क्या करते हैं, यहाँ तक आप उसको लिख के ले लो, बाद में इसको मैं रद्द करता हूँ, फिर से वो डेरिवेशन कंटिन्यू करता हूँ. तो आई विल सजेस्ट यू टू पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस. ओके, हो गया. अब इसके बाद में इसको भी मैं हटा देता हूँ, खाली वी का फॉर्मूला लिख देता हूँ और डब्ल्यू का भी लिख दिया एफ डॉट डी एल. तो उसको आगे इंटीग्रेट. तो इंटीग्रेशन फिर से आपको बोलना पड़ेगा. हर टाइम मैंने इंटीग्रेशन का आपको बेसिक दिया है तो आपको उसको करना पड़ेगा, है ना बेटा? आपको क्या लेना है? V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम डी. ओके, तो अभी W कितना है? तो W है अपना इंटीग्रेशन फ्रॉम आर वन टू आर टू एफ डॉट डी आर. हो गया, बन गया. उसके बाद में इसको F का वैल्यू लिख देते हैं. F कितना आएगा? जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर. तो अब ये डब्ल्यू कितना बन जाएगा? इंटीग्रेशन यहाँ पे आर वन टू आर. अभी क्या करेंगे? जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर. इसमें जी एम एम तो कांस्टेंट है, उनको बाहर निकालते हैं. जी एम इंटू इंटीग्रेशन आर वन टू आर टू डी आर अपॉन आर स्क्वायर बन गया. तो अभी डब्ल्यू का वैल्यू कितना आएगा? जी एम एम इंटू इस इंटीग्रेशन का मैंने आंसर दिया है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर. इसका आंसर होता है माइनस वन अपॉन एक्स, क्योंकि वन बाय एक्स निकालता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर. वन बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर. तो वन बाय एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन आएगा वन माइनस वन बाय एक्स, क्योंकि वो माइनस है अपन को उसको शिफ्ट करना. आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसका आएगा माइनस वन बाय, यहाँ पे एक्स ये आर है तो आर फ्रॉम आर वन टू आर. तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा? डब्ल्यू जी एम एम इंटू वन बाय आर टू, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा ना, माइनस वन बाय आर वन माइनस माइनस वन बाय आर वन. तो वन बाय आर पॉजिटिव हो जाएगा. ओके, इन जनरल जो डिस्टेंस आपने लिखा है आर, इसको लिख सकते हैं हम जी एम एम अपॉन आर, और उसको माइनस साइन भी लिखना पड़ेगा. एक्चुअली ये इसको माइनस किया है, इसको यहाँ पे माइनस साइन. ये हो गया वर्क डन टू मूव अ मास थ्रू अ डिस्टेंस आर. Work done to move a mass, unit mass, ठीक से इसको नोट डाउन करो, थ्रू अ डिस्टेंस आर इन द ग्रेविटेशनल
वर्क डन टू मूव अ यूनिट मास थ्रू अ डिस्टेंस आर इन द डायरेक्शनल फील्ड. तो आपको मालूम है वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एज, तो वो भी करके लेते हैं तो अपना काम बन जाएगा. एज वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, एज वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ओके, तो इसको अभी हम माइनस नहीं लिखते हैं क्योंकि वो माइनस माइनस का आपका तो पूरा ये हो जाए. ओके, तो आप मॉड्यूल में देख लो, आपका यू का भी फॉर्मूला दिया है उन्होंने पेज नंबर 16 में, इसलिए मैंने उधर पेज नंबर 16 में दिखा है. हाँ, तो ये वर्क डन है तो अपना पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा बेटा? देयरफॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पहले पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा अपन को और बाद में ये वर्क डन को अगर मैंने मास से डिवाइड किया मेरे को पोटेंशियल मिलेगा. सो पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दिखाता हूँ मैं, कितना आएगा बेटा? वेरी सिंपल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपका कितना आएगा तो जो आपको वर्क डन दिया है उसको डिवाइड करो. V will be equal to W upon M. Therefore V कितना आएगा? W का वैल्यू कितना है? G mn upon R square multiplied by 1 by M. तो M ने M को काटा तो मेरे को कितना मिल गया? G m sorry R square में R. G m upon R. Therefore potential will be G m upon This is very important result, क्योंकि ये potential अगर आपको मालूम है VIMP, इसका derivation उधर नहीं दिया है, ये मैंने आपको करके दिखाया है मॉड्यूल में, डायरेक्टली उन्होंने दिया है. हाँ, पोटेंशियल एनर्जी का दिया है, ये दिया है तो जी एम अपॉन आर, दैट और इसका यूनिट कितना आएगा? जी एम अपॉन आर वर्क डन, तो इसका यूनिट आएगा जूल पर किलोग्राम और न्यूटन मीटर पर किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम और न्यूटन मीटर पर किलोग्राम. इसका प्रॉपर्टीज क्या बनेगा बेटा? तो प्रॉपर्टीज पहला बनेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, दैट इज वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. तो इसका ग्राफ थोड़ा सा अलग आएगा, उधर उन्होंने अभी ग्राफ वगैरह निकाल के दिखाया नहीं है 16 नंबर पेज पे, लेकिन वो आपको उसका ग्राफ वगैरह बनाना पड़ेगा. तो अगली वाली लेक्चर में या बीच में जब वो हो जाए तो उसका ग्राफ वगैरह मैं आपको बता देता हूँ व्हाट एक्चुअली वी हैव टू डू इन ऑर्डर टू पर्टिकुलरली ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दैट. अंडरस्टूड? सो आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन, इसके बाद में हम आगे जाएंगे. हो गया बेटा? तो अभी ग्रेविटेशन पोटेंशियल है, अभी कैसे है? V is equal to G m upon R. तो अभी आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉडल में ये मिलेंगे कि पोटेंशियल निकालना है आपको, पोटेंशियल ऑफ रिंग, पोटेंशियल ऑफ स्पीयर, तो वो सब आपको निकालना पड़ेगा. तो सपोज मेरे पास एक स्पीयर है, सॉलिड स्पीयर, इसका रेडियस है सपोज R, और यहाँ पे ये R डिस्टेंस, यहाँ पे यूनिट मास है, तो इसका मिलेगा पोटेंशियल ड्यू टू स्पीयर, सॉलिड स्पीयर ऑफ रेडियस R एट ए डिस्टेंस R. तो यहाँ पे केस वगैरह भी हो सकते हैं. तो आई विल सजेस्ट यू टू नोट डाउन द फॉर्मूली इन योर मॉड्यूल. ओके, कौन कौन सा करना है आपका? वहाँ पे
आपको रिंग का दिया है, तो रिंग का दोनों आपको देखना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे कैसे करना है नेक्स्ट लेक्चर को, नहीं तो आगे जब कभी आपका डाउट सेशन वगैरह होगा उसमें आपको मैं बता दूंगा कैसे वो क्या करना है, क्योंकि उसका डेरिवेशन नहीं आता है, उसका फॉर्मूला शीट आता है, तो वो सब फॉर्मूला आपको ध्यान में रखते हुए आपको उसका प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। उसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको नहीं तो अभी कर देता हूँ, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने रिंग रखा है नहीं तो ठीक है, मैं ये आपको बाद में समझा देता हूँ, ओके, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, क्योंकि इसका जो ये है क्या है, पहले हम पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में इसका मैं आपको ये देता हूँ। तो इसमें क्या क्या है, नहीं तो क्या करते अभी हम पूरा कर लेंगे, आपके सामने मॉड्यूल भी है अभी, तो उसमें से पहला देखो अभी पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर रिंग, ओके, तो मैं आपको एक 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 का एक्सप्लेनेशन करके देता हूँ, एक मिनट हाँ, मैं इधर ड्रॉ करके लेता हूँ और आपको खाली वो एक्सप्लेन करता हूँ, देन यू विल बी एबल आल्सो एबल टू अंडरस्टैंड। नंबर वन, पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर रिंग, तो आपको उधर उन्होंने डायग्राम भी निकाल के लिया है, वैसा ही डायग्राम इधर बना रहा हूँ, तो आपको भी समझने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं बाद में एक्सप्लेन। क्या है, एक रिंग है, उसके सेंटर से उन्होंने ऐसा एक पॉइंट बनाया बी, ये डिस्टेंस उन्होंने कितना लिया, आर लिया, ओके, और ये रेडियस है आर, ओके, और इसका मास कितना दिया है, एम दिया, ओके, और फॉर्मूला बनाया है माइनस जी एम अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके बेटा। तो ये कैसे आता है, ये हम अभी ये बाद में, ठीक है बाद में उसका करते हैं, ठीक, ये अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे है। तो एक्चुअली क्या है, ये टोटल रिंग जो है इसका टोटल मास कितना है, तो अभी ठीक से देखो, हाँ एकदम आराम से देखो, क्योंकि बाद में ये समझने में आपको, बाद में मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक उसमें दोनों में भी आपको ये करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल। तो हम क्या करते हैं, पूरा इसका पूरा करके देते हैं, मतलब जो जो कुछ कुछ है वो पूरा करके देते हैं, वो कैसे करने का तो आपको बता देता हूँ। तो अगर आपको रिंग दिया है तो आपको क्या क्या निकालना पड़ता है उस रिंग के लिए, वो मैं बता देता हूँ अगले लेक्चर में, उसका मैं पूरा ये कर देता हूँ आपको, उसका फील्ड और पोटेंशियल दोनों का भी कैसे निकालते हैं ये आपको भी दिखा दूँ, वही सेम डायग्राम मैंने फिर से यहाँ पे बनाया है, ओके। तो एक ऐसा तो रिंग दिया है जिसका मास m है, सो याद रखो m क्या है, टोटल मास ऑफ द रिंग, लेंथ कितना है, सपोज l इज द टोटल लेंथ, तो l विल बी इक्वल टू 2 पाई r, सर्कुलर रिंग ऑफ मास कैपिटल एम रेडियस आर एंड सपोज देयर इज अ पॉइंट पी एट व्हिच आई हैव गिवन अ यूनिट मास, देयर इज अ यूनिट मास एट अ डिस्टेंस आर एट पॉइंट पी फ्रॉम अ रिंग। तो मेरे को बताना होगा, ऑफ कोर्स दो चीजें बतानी होगी, जो मैंने आपको फील्ड पढ़ाया है तो फील्ड में भी आपको वो मॉडल में दिया है, पेज नंबर 13 14 15 16 उधर वो डेरिवेशन दोनों में दिया है। So I have to find out first the gravitational field at point P and then I have to calculate gravitational potential at point P due to circular ring. तो gravitational field करने के लिए क्या होगा और potential करने के लिए क्या होगा उसका method है, मैं आपको बता देता हूँ, no problem, okay. So पहले इसको note down.
सो फ्रेंड्स पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर रिंग एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग दैट वी वर डिस्कस नाउ आई होप दैट यू हैव रिटन दिस अभी अपन को क्या करना है ये जो मैंने सब दिया है इसका सब अपन को कैलकुलेशन करना है वी हैव टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ एवरीथिंग एंड जैसे हमने रोटेशनल मोशन के लिए किया था कि रोटेशनल मोशन के लिए हमने वो बनाया था और उसके हिसाब से वो मास पर यूनिट लेंथ बी एम लैम्डा वो सब करके उसका हम यूज़ कर सकते हैं तो आई विल सजेस्ट यू यू बी रेडी विथ योर मॉड्यूल मॉड्यूल में से जो फॉर्मूला है उससे आप रेडी रहो मॉड्यूल पेज नंबर आई थिंक 14, 13, 14, 15, 16 इस पेज पे आपको वो मिलेगा एक मिनट वो मॉड्यूल में रेगुलरली थोड़ा एक मिनट ना मॉड्यूल हाँ हो गया 13, 14, 15, 16 बराबर तो 13 पे आपका वो सब कैलकुलेशन वैल्यूज वगैरह है 14 पे आपको ये मिल जाएगा तो पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलरिटी तो उसका फॉर्मूला भी मैंने अभी आपको दिया है ये फॉर्मूला कैसे आता है ये हम थोड़ा सा उसका ये करेंगे तो एक्चुअली मैं क्या करूँगा मैं पहले आपको फोर्स का ये करूँगा फोर्स कैसे बनता है मतलब फोर्स और उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड तो पोटेंशियल के लिए ये जो फॉर्मूला लिखा है वो डायरेक्टली आपको करना है उसके लिए डेरिवेशन नहीं है इसके लिए डेरिवेशन नहीं है लेकिन इसका जो अगर फील्ड है इसका अगर इस पॉइंट को इसने कितना फील्ड बनाया है क्योंकि ये मास है ना दिस मास एंड दिस मास सो इफ आई विल जॉइन दिस सो दिस विल बी से रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो दिस मास विल अट्रैक्ट दिस तो यहां से अट्रैक्शन होगा यहां से अट्रैक्शन होगा सब जगह से उसको अट्रैक्शन होगा तो पूरा मिला के उसका फील्ड कितना होने वाला है पूरा मिला के उसका फील्ड कितना होने वाला है दैट थिंग वी हैव टू गो विथ वी हैव टू फाइंड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो भी है आपके पास तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मॉड्यूल में आप थोड़ा ऊपर करके देखो फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग ओके पेज नंबर 12 तो अगर आपने ये देखा है तो ये तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा मेरा भी एकदम उसमें कंफ्यूजन होता है ऐसा करता हूँ पोटेंशियल और फील्ड तो ये तीन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है एक काम करते हैं यूनिफॉर्म सर्क्यूलर रिंग तो मैं आपको क्या बना के देता हूँ पहले उसका डायग्राम और उसका एक्सप्रेशन बना के देता हूँ उसके बाद में दो जो फॉर्मूले हैं वो कैसे आते हैं उसका मैं एक्सप्लेन करता हूँ नहीं तो आपको वो डिफिकल्ट जाएगा तो ये सब फटाफट बना के देता हूँ ये तो आपने अभी पढ़ा है नो प्रॉब्लम इसको बनाते हैं फटाफट से ये बन गया मेरा आर ये बन गया स्मॉल आर एक्स थ्री स्मॉल आर बन गया ये हो जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओके और यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे मैं सर्कुलर रिंग बना दिया तो अपन को क्या क्या कैलकुलेट करना है ग्रेविटेशनल फील्ड और सेकेंडली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो अभी इकट्ठा पढ़ रहा क्योंकि मॉड्यूल में अलग अलग दिया है वो ऐसे नहीं कर रहे हैं उसको इकट्ठा ही पढ़ के उसका फॉर्मूला आया है ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास एंड एट द डिस्टेंस ये सब लिख के लो आपके पास उधर मॉड्यूल में आपको कुछ नहीं दिया वो डायरेक्ट फॉर्मूला वगैरह मतलब दिया है सब कुछ लेकिन आपको जैसा मालूम होना चाहिए और वॉट एवर यू वॉन्ट टू नो लाइक दैट इट इज नॉट गिवन सो आई सजेस्ट यू एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट तो आर डिस्टेंस पे सपोज मैंने स्मॉल एम मास का एक बॉडी रखा इसका मास कैपिटल एम है तो ये रिंग
उस मास को अट्रैक्ट करेगी, बराबर, किसी भी फोर्स से अट्रैक्ट करेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, रिंग है, तो यहाँ पे एक छोटा मास नहीं है। अगर एक छोटा मास होता तो डायरेक्टली हम एक ही फोर्स काम में ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे अलग के रिंग, पूरा रिंग है। सो ड्यू टू रिंग व्हाट इज द टोटल फोर्स, और वो फोर्स पता करने के बाद हम ग्रेविटेशनल फील्ड पता कर सकते हैं, क्योंकि ई जी कैसे आएगा आपका, ई जी कैसे आएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड आपका कैसा आएगा, ई जी ड्यू टू दैट विल बी एफ नेट, क्योंकि नेट क्यों डालना पड़ेगा, अपॉन मास, मास किसका लेंगे, इसका। ओके, तो एफ नेट मतलब क्या, अगर मैंने इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ टुकड़े कर दिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेनी, तो एक टुकड़ा जो आएगा इसका, एक ठीक से ध्यान, इसका मास कितना होगा, सपोज डी एम, तो वही मैंने लिखा था। तो पहले क्या करना है, करने का है जो मैंने आपको दिया था, एम इज द टोटल मास, तो डी एम क्या बन जाएगा, डी एम बन जाएगा मास पर यूनिट लेंथ, मतलब टोटल मास डिवाइडेड बाय लेंथ, तो लेंथ कितना आएगा, उसका सर्कमफेरेंस आएगा 2πr, तो ये बन जाएगा डी एम, बराबर। तो मास पर यूनिट लेंथ, ओके, तो यहाँ पे ये सब पूरा करके ये डीएम जो है उसको ये किया गया, ये हमने रोटेशनल मोशन में किया था। तो इसको करके बाद में क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करते थे, यहाँ पे क्या करेंगे, डीएम ना, तो डीएम ने, डीएम की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डीएम ने कितना फोर्स लगाया है उतना आएगा। तो बाद में और एक डीएम ऐसा करके अगर मैंने पूरा कर दिया, पूरा सर्कुलर रिंग लिया, तो उसका वैल्यू कितना आएगा, तो वो जो आपके मॉडल में दिया है वही आपको खाली ध्यान में रखना है, उसका फॉर्मूला आपको रखना है जो दिया है, जी एम एम आर, और यहाँ पर उन्होंने एक्स लिखा है, तो मैं इसको एक्स बोल दूँगा, ठीक, इसको एक्स बोल, मतलब आपको भी कुछ दिक्कत नहीं है क्योंकि आर उधर नहीं है ना, तो ठीक। तो वो आएगा आपका, उधर उन्होंने दिया है, कितना दिया है आपको, जी एम एम x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू 3/2। ओके, तो यह आएगा आपका ई जी जी एम एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू 3/2। एक्चुअली इसका डेरिवेशन है, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर पे दिखाऊंगा। और अगर आपने v लिखा, तो वी मैंने पता है आपको माइनस जी एम, उसका वैल्यू मैंने लिखा था जो आपको पेज नंबर 16 पे मिलेगा, है ना, ये पेज नंबर 14 पे मिलेगा आपको, है ना, तो पेज नंबर 14 पे रिंग का लिखा है। ओके, माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ओके, तो वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ब्रैकेट स्क्वेयर नहीं आएगा, सॉरी, अंडर रूट आएगा, मतलब 1/2। तो अभी इसका डेरिवेशन वगैरह कैसे करना है, तो बेटा दैट आई विल एक्सप्लेन यू, बट दैट इज नॉट देयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम, बिकॉज फॉर 12 दिस टॉपिक इज नॉट देयर फॉर योर बोर्ड, सो बट फॉर कॉम्पिटिटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी मच बेसिक फॉर योर इलेक्ट्रिक स्टडीज, सो ऑफकोर्स यू हैव टू डू दैट। ओके, तो वो डेरिवेशन मैं आपको करके दिखाता हूँ, पूरा नहीं लेकिन शॉर्ट में तो एटलीस्ट दिखा। तो ये क्या होगा यहाँ पे, और ये क्या होगा, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक जब आपको पढ़ाऊंगा तब उसका डेरिवेशन उधर है आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो उस टाइम हम उसका पूरा डेरिवेशन देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको ये दो फॉर्मूले याद रखें, और मॉड्यूल में भी आपको दिया है, तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना है। ओके, तो आई विल सजेस्ट यू योर होमवर्क क्या होगा आज के लिए आपका, तो आज के लिए आपका होमवर्क होगा, क्योंकि कल संडे है, तो आज के लिए होमवर्क होगा, कलेक्ट ऑल द फॉर्मूले ऑफ फील्ड एंड पोटेंशियल
फॉर ईच केस। तो जहां पे आपको पेज नंबर 14, 15, 16 पीडीएफ 1 पेज 14, 15, 16 तो इनका फॉर्मूला लिखना है, मतलब क्या करने का है, इधर पहले डायग्राम बनाने का, बाद में उसका फॉर्मूला लिखने का और नीचे उसको लिखने का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू डैश डैश एट डैश डैश डैश, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू डैश 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 एट डैश डैश डैश। ऐसे क्या क्या आएगा आपको, सर्कुलर रिंग आएगा, सेकंड में डिस्क आएगा, सॉलिड स्फीयर एंड होलो स्फीयर, कितना चीजें आपको, चार चीज। तो इन चार चीजों का फॉर्मूला आपको कलेक्ट करना है, खाली मॉडल से देख के उसका फॉर्मूला लिखना है, वो कैसे क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है, आई विल एक्सप्लेन। तो क्या क्या करना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, सेकंड यूनिफॉर्म डिस्क, उसके बाद में सर्कुलर रिंग हो गया, डिस्क हो गया, सॉलिड स्फीयर एंड स्फेरिकल शेप, मतलब उसको हॉलो बोलते हैं, स्फेरिकल शेप और हॉलो स्फीयर। तो इतना चार चीजें आपको ध्यान में रखना होगा एंड उसके बाद आफ्टर दैट देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट एनीथिंग। तो हो गया, तो ये पूरा आज हमने देखा है कि पहले मैंने आपको ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब पिछले लेक्चर में बताया, आज भी थोड़ा सा बताया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो वेरी इंपॉर्टेंट, फील्ड माने फोर्स पर यूनिट मास और पोटेंशियल माने वर्क डन पर यूनिट मास, वो कैसे करना है, क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी क्या करना है, इसका सब सब अपने लेक्चर में मैंने बताया है। आई विल एक्सपेक्ट दैट एवरीबडी विल वॉच दिस लेक्चर 2 times, 3 times, whatever, understand it, make your notings, और उसके बाद में क्या करना है मैं आपको बताते जाऊँगा। सो डोंट टेक अ टेंशन अबाउट योर स्टडीज, एज आई नो देर इज अ लॉकडाउन ड्यू टू विच ऑल आर इन ट्रबल और ऑल आर इन प्रॉब्लम, बट वी विल ट्राई टू मिनिमाइज अवर प्रॉब्लम बाई प्लानिंग अवर वर्क, डे टू डे वर्क, डे टू डे प्लान, इफ यू डू प्रॉपरली, इफ यू गो विथ योर प्लान, देन आई नो दैट डेफिनेटली एंड डेफिनेटली यू विल बी सक्सीडेड इन योर लाइफ। So thanks a lot for the lecture, watching my lecture. Till that, till tomorrow, stay home, stay safe, and stay tuned with physics. Thank you. Thanks a lot. Bye bye.